नहीं चाह रहे थे आज, लेकिन आज एक शाम का एक कल शाम का एक बहुत दिल दहला देने वाला न्यूज़ सामने आया है। ज़रा उस पर आप लोग ध्यान दीजिए और देखिए क्या कुछ हुआ है वहाँ। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महानगर कोलकाता में एक और दहशतगर, एक और मर्डर। जी हाँ दोस्तों, एक और लड़की की मौत हो गई। आज शाम 7 बजे अरिबा इकबाल नामक लड़की का शाम को 7 बजे बेदर्दी से उसको मारा गया। आज शाम 7 बजे लेवल ऑफ कैफे, आप देख सकते हैं यही वो लेवल ऑफ कैफे जो नसीरुद्दीन रोड में है। लेवल ऑफ कैफे में अरिबा इकबाल 24 साल लड़की को बेदर्दी से चॉपर से घोप घोप कर मारा गया। आंखों देखा, जिसने ये आंखों से देखा उसका ये स्टेटमेंट है कि लड़की भाग रही थी और सबसे गुहार कर रही थी कि मुझे बचा ले, मगर उस वक्त कोई बचा नहीं पाया और लड़के ने बेदर्दी तरीके से उसको बड़े बेदर्दी तरीके से उसमें चापल से उसको घोप घोप कर मारा है। यह मामला कहीं और नहीं बल्कि लेवल ऑफ कैफे से वो लड़की आती थी अरिबा इकबाल, तोपसिया के रहने वाली है और उन्हीं के एक रिलेटिव से भी हम लोग बात भी करेंगे। ये मामला बहुत ही संगीन है दोस्तों। अरिबा इकबाल नसीरुद्दीन शाह नसीरुद्दीन रोड का यह मामला है। नसीरुद्दीन रोड मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यही वो लेवल ऑफ कैफे है जहाँ पे वो लड़की अक्सर आती थी और इसी कैफे से निकल कर वो यहाँ से भागी और उस गली के अंदर में, उस आगे जाके गली के अंदर में वहाँ पर लड़की गिर जाती है और उसको बेदर्दी से मारा जाता है। यही वो कैफे है जहाँ पे लड़की को बेदर्दी तरीके से बाहर निकलकर अरिबा इकबाल को मारा गया। आज उसी के घर वाले अभी यहाँ पर मौजूद है और स्टेटमेंट दे रहे हैं कि क्या हुआ था। नजरुल भाई, क्यों मारा लड़की को, वजह क्या था मारने का? देखिए, आक्रोश, गुस्सा, धमकी दिया था और पहले भी जो उसने मारने की जो है बातें की थी कि उसे मैं मारूंगा। और क्योंकि ये मेन मकसद है कि लड़की का एक ही डिमांड था कि रोजगार लाओ, घर चलाओ। लड़का करता था क्या? लड़का पहले छोटा मोटा काम करता था, पिछले 1 सालों से कुछ नहीं कर रहा था, नशे के लत पे भी आ चुका था। लड़की ने समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन जब पानी सर के ऊपर चला गया तो मजबूरन उसे खुला लेना पड़ा। और जब से उसने खुला लिया है तब से लेके अब तक लड़की को रोजाना कहीं ना कहीं वो किसी तरह का धमकी वाला अल्फाज कहा करता था और आज ये इतना बड़ा हादसा हो गया। क्या ये अरिबा इकबाल, हम लोगों ने सुना कि वो भाग रही थी और 2 लड़के थे उसके संग, पीछे दौड़ाया था, दौड़ाकर उसको मारा गया है, मेरे सामने मारा था। जिन लोगों ने देखा है वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। और यहाँ आस पास में सीसीटीवी भी है, सीसीटीवी भी है, जांच कर रहे हैं। आपका नाम बताइए, आप तो पहले नाम बताइए। मोहम्मद शाहिद। क्या देखे थे, क्या देखे? हम देखा वो निकली कैफे से दौड़ के, दोनों छोकरा उसको दौड़ाया, एक तो हाथ में चापड़ था और एक तो हाथ में क्या था देखा नहीं, इतना देखा है वो चापड़ पीछे से उसका पेट में इधर देख के बोला। तो उसके बाद गली के अंदर वो ढूकी, तब तलाक में वो लोग उसको मार के ये कर दिया, पूरा आत्मरा कर। यहाँ पर आसपास लोग थे, यहाँ रुकने आसपास कोई रोक नहीं थे, गली में कोई नहीं थे, पूरा सन्नाटा था, वहीं पर ही मारा है हम लोग आँख का सामने। वो लड़की क्या कैफे के अंदर बैठी हुई थी? कैफे से वो निकली, वो टाइम में वो लोग उसको टॉर्चर करके निकला तो गली के अंदर भागने रह की, तब तलाक में लोग मारा। कितने बजे का हादसा ये? ये मतलब शाम का टाइम में, शाम 6-7 बजे का। जब वो लड़की के चिल्ला रही थी बचाने बचाओ बच्चे चिल्ला रही थी, ऐसा कुछ बोल रही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोली, ऐसा मतलब मार के आत्मरा कर दिया पूरा, मतलब चापड़ से बहुत बदतरीके से मारा, बहुत बदती रहे थे चापड़ से भी मारा। ठीक है, तो जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे कई सारे लोगों ने इस हादसे को अपने आंखों से देखा है, शाम 6-7 बजे का यह मसला है। आज फिर से महानगर कोलकाता के कड़ाया थाना अंतर्गत यह मामला है। लेवल ऑफ कैफे से लड़की अक्सर आती थी और इसी कैफे से निकलकर वो लड़की भागी और उसको 2 लड़के ने दौड़ाकर मारा। अभी तक तो यही इंफॉर्मेशन दिया गया है, अभी तक यही इंफॉर्मेशन मिला है, पुलिस इसकी जानकारी कर रही है, फॉरेंसिक टीम भी अभी पहुंची है, कड़ाया थाने के ऑफिसर अभी अंदर मौजूद है, अभी कुछ कह नहीं सकते। पुलिस सर की फॉरेंसिक टीम ऐसे की भीतर है, फॉरेंसिक टीम अभी आई अंदर में जांच कर रही है। इस लेवल ऑफ कैफे से निकलकर इसी जगह पे भागी, मैं बता रहा हूँ ये मामला शाम 7 बजे का है। और मारने जो लड़की मरी उसका नाम अरिबा इकबाल बताया जा रहा है, अरिबा इकबाल नाम है लड़की का और ये यही कैफे का मामला है। देख सकते हैं कि बहुत बेदर्दी तरीके से लड़की को मारा गया है, बहुत ही बेदर्दी तरीके से लड़की को मारा गया है। ये मामला
पार्क सर्कल 7 पॉइंट से करीब नसीरुद्दीन रोड का है, लेवल एफ कैफे का। लेवल एफ कैफे से लड़की भागी और दो लड़के ने मिलकर, बोला जाता है कि उसमें उसका एक हस्बैंड भी था, हफ्ता दिन पहले उसका तलाक हुआ है, उसके बावजूद भी उसने आकर उस लड़की को चौपड़ से बहुत ही बेतरतीब तरीके से मारा है, ये इल्ज़ाम। और ये बताया जा रहा है, अभी तक इसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है, पुलिस जो अपना काम कर रही है। इसके अलावा और भी कुछ जानकारी अगर मिलता है तो मैं आपको चैनल के माध्यम से बताऊँगा।